खुशहाली आऊगी, शांति आऊगी, प्यार वधूगा और अगाह वधू सोच आऊगी। बुद्ध कई बंदे ऐसे करके नफरत करी जाते हैं कि ये पता नहीं गलत रास्ते पा रहे। बुद्ध सिर्फ एक गल सिखाता कि तुम ज्ञानवान होवो, चंगे काम करो, होर बुद्ध कुछ नहीं सिखाता। बाकी गैबी शक्तियां रब की सिफत करी जाते हैं, मगर च रब की सिफत कितने है नहीं। सो मेरी बेनती है साढ़े लोगों का बहार सारा बॉम्बे बॉम्बे दड़क और कफन के लिए कपड़ा दुकाना के मुक गया, फैक्ट्रिया बंद हो गई। एड्डी वड्डी श्रद्धांजलि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को उन्होंने फॉलोअर्स उन्होंने चोण वाले ने दिती। और अज असी बाबा साहब के जीवन दिया घटनावां सुन रहे सी और साडे सुमन साहब भी इमोशनल हो गए, साडे साथी भी इमोशनल हो गए। जन्म तो लैके मौत तक, जन्म तो लैके मौत तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपमानित होए और इस देश के ब्राह्मणवादी मनोवादी सिस्टम चलाने वाले लोगों ने कोई कसर नहीं छड़ी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की पिट लगाने लई। मैं बुद्धा एंड धम्मा की गल करके हटिया 1955 के भारत के सम्मेलन होया, विश्व बहुत सम्मेलन दिल्ली के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़े एक्साइटेड सी कि जिहड़ी मैं किरत 20 साल अपनी जिंदगी दे लगा के बुद्ध एंड धम्मा तैयार की है इस सम्मेलन के लोगों के हत्थों में जाए, क्योंकि उस सम्मेलन के वक्त देशों को बड़े बड़े ऑफिशियली जोड़े नुमाइंदे उन्होंने आना सी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जवाहर लाल नहरू को चिट्ठी लिखते हैं कि जवाहर लाल नहरू जी मैं किताब को छपा चाहता हाँ, प्लीज सरकार मैनू ये इनू छापण के लिए सपोर्ट देवे, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देवे ता कि वह जी किताब आ विश्व पद्धर के जोड़े नुमाइंदे आने उन्होंने तक पहुँच सके। तो जवाब आता है कि भारत सरकार को 1 लाख रुपया खर्चने लिए नहीं है, असी ये छपवा नहीं सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सुझा दिता जाता कि तुम अपने पद्धर से किताब छपा के उस सम्मेलन के स्टाल लगा के बेच लियो, उतों तुहानू काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। एडा वड्डा अपमान बाबा साहब का भारत देश की सरकार ने एक ग्रंथ को छापने के लिए मतलब किया। बहुत सारिया घटनावां बाबा साहब के जीवन के नाल जुड़िया आ। अखीरले समय में बाबा साहब इमोशनल काफ़ी रेंदे सी, नानक चंद रत्तू लिखते कि कई बार भावक हो के रोन लग पाया करते सी। वो दसते कहते कि पारसियां की सरां की वह घटना याद करते, एक बार कहते कि 28 साल हो गए उस घटना वापरिया, अज भी वह दृश्य जदों मेरिया अखा के सामने मेरे माइंड दे विच जहन दे विच आउंदा है तो मैं अखा दे विचों अथरू डिग तो बिना नहीं रह सकता। कहिंदे एडा खौफनाक वह सीन सी कि जिहड़े लोग रात नू डांगा लैके पारसियां दी सरां दे विच आए और उन्होंने इरादे इन्ने बेईमान सी कि वह मैनू जानू मारदा मारन दी जिहड़ी वह एक सोच लैके आए सी। और अज भी कहिंदे वह घटना जदों मैनू याद आउंदी आ मैं अखा चों आंसू नहीं बहाए बिना रह सकता। और उन्होंने एक पारसियों की सरां के सिर्फ इसलिए कि एक शूद सी उन्होंने जलील होकर कढ़ दिता गया। इदा दियाँ पता नहीं किनिया घटनावान
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੜੀ ਜਾਈਏ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਠਾ ਠਾ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਢੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਫੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇ ਨੀਂਦਰਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ